नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन रेडिएशन के बारे में। आजकल हमारे स्मार्टफोन हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, भले ही हम ट्रेवल कर रहे हों या काम के समय वो हमारी पॉकेट में हो। स्मार्टफोन के अत्यधिक इस्तेमाल और उससे निकलने वाली रेडिएशन को लेकर पहले भी काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। इसके बारे में यह भी सवाल उठे हैं कि क्या वाकई स्मार्टफोन को अपने शरीर के पास रखने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी से लेकर कोई वैज्ञानिक रिसर्च तो सामने नहीं आई है जो यह बता सके कि सेलफोन रेडिएशन का हम पर क्या असर पड़ता है। लेकिन जो लोग यह जानना चाहते हैं कि इससे जुड़े रिस्क क्या है और इनसे कैसे बचना है, तो यह वीडियो उनके काम के लिए है। स्मार्टफोन से निकलने वाले रेडिएशन से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई रिपोर्ट सामने आई है जिसने स्मार्टफोन से निकलने वाले रेडिएशन के बारे में बात की है। इससे यूजर की हेल्थ पर असर पड़ता है। आपको बता दें, SAR स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट रेडिएशन को लेकर स्टैटिस्टा ने फ़ोन की नई लिस्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा रेडिएशन निकालते हैं। रेडिएशन वैल्यू के साथ यह फ़ोन स्मार्टफोन की पूरी लिस्ट निकाल दी गई है, जिसे हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस लिस्ट में आपको बता दें कि सोनी MI A1 इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। यह फ़ोन सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। सोनी MI A1 की रेडिएशन वैल्यू 1.75 वाट प्रति किलोग्राम है। इस लिस्ट में स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों का ही बोलबाला है। इस लिस्ट में 16 में से 8 मोबाइल फोन्स चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों के हैं। इसी के साथ प्रीमियम स्मार्टफोन जैसे एप्पल आईफोन 7, एप्पल आईफोन 8 भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं गूगल के पिक्सल भी इस लिस्ट से दूर नहीं है। इस लिस्ट में दूसरा सोनी MI MAX 3 है। इस फोन से 1.58 वाट प्रति किलोग्राम रेडिएशन निकलता है। इसी के साथ इस लिस्ट में तीसरा ऐसा फ़ोन है जिसके कई चाहने वाले होंगे, यह फ़ोन OnePlus 6T है। इसमें से 1.55 वाट प्रति किलोग्राम का रेडिएशन निकलता है। इस लिस्ट में कई बड़े स्मार्टफोन के नाम शामिल हैं। इसमें गूगल पिक्सल 3 XL इससे 1.39 वाट प्रति किलोग्राम रेडिएशन निकलता है। आइए अब जानते हैं SAR लेवल क्या है। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट कहती है, इस लेवल के रेडिएशन के साथ लोगों को यह भी एहसास नहीं होता कि उनके स्मार्टफोन उनके स्वास्थ्य पर क्या असर डाल रहे हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें, मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इससे आपके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए भारत में SAR के मानक भी तय किए गए हैं। SAR का मतलब है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। जान लें कि किसी भी मोबाइल की SAR वैल्यू 1.6 वाट प्रति किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आपके स्मार्टफोन के बारे में चेक करना है कि उसकी SAR वैल्यू कितनी है, तो अपने फ़ोन से *#07# डायल करें। इससे आपके स्मार्टफोन की SAR वैल्यू पता होगी। अगर आपके फ़ोन की SAR वैल्यू 1.6 वाट प्रति किलोग्राम से ज़्यादा हो रही है, तो कृपया वो स्मार्टफोन यूज़ करना आप बंद कर दें, वरना आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा। अपने स्मार्टफोन के रेडिएशन से बचने के लिए क्या करें, तो आइए हम जानते हैं अपने स्मार्टफोन रेडिएशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहला, अपने स्मार्टफोन को हमेशा अपने शरीर के कॉन्टेक्ट में ना रखें। दूसरा, कॉलिंग की जगह टेक्स्टिंग पर बात करने की कोशिश करें। कॉलिंग के समय वायर्ड हैंडसेट या स्पीकर मोड का अत्यधिक इस्तेमाल करें। चौथी बात, कॉलिंग पीरियड को छोटा ही रखें। अपने यूजेस को सीमित रखें। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जाहिर तौर से उतना खतरनाक असर आप पे पड़ेगा। लो सिग्नल एरिया में फ़ोन के इस्तेमाल से बचें। अगर आपके एरिया का सिग्नल लो है, तो उस समय फ़ोन का इस्तेमाल करना कम करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।